हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एनिमल फिजियोलॉजी का पार्ट फिनिश कर लिया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ओनली अबाउट ओवरव्यू ऑफ एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट व्हिच वी विल डिस्कस ऑन लेटर वीडियोस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ कि एनिमल जो फिजियोलॉजी का पार्ट है, इसमें हम लोग एनाटोमी भी पढ़ेंगे और फिजियोलॉजी भी पढ़ेंगे। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना, उसके स्ट्रक्चर, उसकी मॉर्फोलॉजी, आउटर अपीयरेंस। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शनिंग। सब कुछ हम लोगों ने प्लांट्स का पढ़ लिया है। अब हम लोगों के पास नेक्स्ट जो बारी है वो एनिमल्स की। एनिमल फिजियोलॉजी में स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करूंगी, सबसे पहला चैप्टर होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम आप सबको पता है, इस चैप्टर में हम लोग हार्ट मेजर ऑर्गन होगा और जितने भी ब्लड वेसल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को मेजर ऑर्गन हार्ट के बारे में पढ़ना होगा और जितने भी ब्लड वेसल्स हैं। और ब्लड वेसल्स में भी आ जाएंगी आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और सर्कुलेटरी सिस्टम में ही मैं आपको बताऊंगी जो प्रोसेस ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, जो पाथवे होगा उसको पढ़ेंगे। डिटेल में हम लोग इसी चैप्टर में ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे कि ब्लड कैसा होता है, उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ब्लड और लिम्फ को कंपैरेटिव व्यू भी मैं आपको बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग दूसरा नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें हम लोग किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी जो हमारा यूरिन का फॉर्मेशन करती है, यूरिन कैसे बनता है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब भी हमारी किडनी प्रॉपर काम नहीं करती है तो हमें एक आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं, उसको हम लोग डायलाइजर बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सब कुछ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वन बाय वन मैं हर एक चैप्टर के कुछ पर्टिकुलर सब टॉपिक्स लेकर उनके वीडियोस बनाऊंगी। और जो थर्ड चैप्टर होगा स्टूडेंट्स, वो हमारा होगा नर्वस सिस्टम। इसमें हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन में कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन की क्या फंक्शनिंग है। ओके, रिफ्लेक्स एक्शन कैसे क्रिएट होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टिमुलस क्या होता है, कैसे रिस्पॉन्स आता है, इफेक्टर क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। कितने तरीके की नर्व्स होती हैं, नर्व सेल क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रही हूँ कि किस चैप्टर में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और एक एनिमल फिजियोलॉजी का जस्ट ओवरव्यू ले रही हूँ। एंड चैप्टर फोर हम लोग इसमें पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन जितने भी ग्लैंड्स होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास बेसिकली डक्ट नहीं होता है, इसीलिए उनको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। और मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितने तरीके के ग्लैंड्स हैं, उनसे कौन सा हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, उस हार्मोन के सिक्रीट होने से क्या फर्क पड़ता है, क्या फंक्शनिंग है उसकी, ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, कम सिक्रीट हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसको डिटेल में ग्लैंड्स के बारे में, हार्मोन्स को भी यहीं पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो लास्ट एनिमल फिजियोलॉजी का और एनाटॉमी का पोर्शन है स्टूडेंट्स, वो है रिप्रोडक्शन से। इसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको मेल बताऊंगी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी, मेल बताऊंगी, फीमेल में कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रन होती है, मीनार्क क्या होता है, मीनोपॉजल स्टेज क्या होती है। मैं बताऊंगी आपको स्पर्म कैसे मैच्योर होता है, कैसे ओवा तक पहुंचेगा, कौन से एंजाइम्स होते हैं जो ओवा की वॉल को ब्रेक करेंगे जब स्पर्म ओवा के पास पहुंचेगा, और कैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो भी 9 मंथ प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। हम लोग छोटे छोटे से टर्म्स स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है स्टूडेंट्स कि आपको ये ओवरव्यू का वीडियो समझ में आया होगा कि हम लोग किस तरीके से, ये जस्ट एक स्ट्रेटेजी है पढ़ने की, एक ये प्लानिंग है। आप सभी को पता है जब कभी भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उससे पहले उसको प्लान करना जरूरी होता है। प्लानिंग इज नेसेसरी टू डू एनी वर्क। सो इन द सेम वे आई हैव डू दिस प्लानिंग फॉर एनिमल फिजियोलॉजी। एंड इफ यू फील एनी डाउट एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग एनिमल फिजियोलॉजी माय प्लानिंग, तो यू कैन सजेस्ट मी इन कमेंट बॉक्स। That your suggestion will be valuable for me. If that suggestions I feel good, then I will copy your suggestions and I will continue. So this is all about animal physiology students. So my next video will be topic wise and I will start from the student circulatory system
and heart we will discuss basically in my next video. So stay tuned to my channel. Thank you again for your continuous support and continuous listening, my students. Thank you.